स्टूडेंट वेलकम टू गुरुटापू का बैंक। स्टूडेंट माइक्रो आर्गनी के इस थर्ड पार्ट में हम लोग प्रोटोजोअन्स की स्टडी करेंगे। आप ये दिस इज द थर्ड पार्ट माइक्रो आर्गनी का है थर्ड पार्ट। आप इसके फर्स्ट पार्ट में बैक्टीरिया की स्टडी कर चुके हो, इसके सेकंड पार्ट में फंजाई आप स्टडी कर चुके हो और इस थर्ड पार्ट में हम लोग प्रोटोजोअन की स्टडी करेंगे। प्रोटोजोअन्स भी हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो नुकसानदायक ज़्यादा होते हैं और फायदेमंद हमारे लिए कम होते हैं, ये ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं, तो इनकी स्टडी करना भी जरूरी है। स्टूडेंट इनके करेक्टरिस्टिक्स अगर स्टडी हम लोग करें प्रोटोजोअन्स की तो आप देखेंगे कि दीज आर सिंपल माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोप। ये इतने सूक्ष्म होते हैं, ये इतने माइन्यूट होते हैं कि सिंगल सेल के बने होते हैं और इनको हम केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इनका हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर। अगर मैरीन वाटर में पाए जाते हैं तो कुछ आर्गनी के ऊपर सेल पाया जाता है, इसके अलावा सॉइल में पाए जाते हैं, इन लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। लिविंग बींग्स का मतलब कि एज ए पैरासाइट हम लोगों में जैसे पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, ये एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है, होलोजोइक, ये जीवों जंतुओं के समान भोजन करते हैं, होलोफिटिक प्लांट जैसा भोजन करते हैं, सैप्रोफिटिक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेते हैं, सिम्बियोटिक कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जैसे ट्राइकोनिम्फा, ये ऐसा प्रोटोजोअन है जो टर्माइट कहते हैं दीमक, व्हाइट आंट बोलते हैं वो दीमक को, उसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये जो दीमक है ये लकड़ी को खाता है तो उसके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन यही ट्राइकोनिम्फा ही करता है, तो एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें न्यूट्रिशन कई टाइप का हो सकता है, होलोजोइक जंतुओं के समान कर सकते हैं, पौधों के समान कर सकते हैं, मरे हुए जीवों को डिग्रेड करके कर सकते हैं, एक प्रकार से वेस्ट मटीरियल को फाइनल डिग्रेडेशन इन्हीं के द्वारा होता है और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के द्वारा भी ये भोजन प्राप्त करते हैं। थर्ड इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में इनका जो मेन रिप्रोडक्शन होता है बाइनिफिशन या मल्टीपल फिशन, बाइनिफिशन भी ये करते हैं और मल्टीपल फिशन भी करते हैं। बाइनिफिशन जैसे अमीबा, एक अमीबा होता है ये बड़ा होगा साइज में, उसके बाद बीच से दबेगा और दब करके दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो यानी आप बैक्टीरिया में पढ़ चुके हो, बैक्टीरिया के यानी फर्स्ट पार्ट में इसके बैक्टीरिया में मैंने बताया है कि बैक्टीरिया किस तरीके से बाइनिफिशन करते हैं और अमीबा वगैरह जो है मल्टीपल फिशन भी करते हैं, अमीबा भी कर सकते हैं या प्लाज्मोडियम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक न्यूक्लियस कई खंडों में बढ़ जाता है हजारों की संख्या में और वो सब स्पोर्ट्स में बदल जाते हैं तो वो मल्टीपल फिशन होता है। इसके अलावा बडिंग की प्रोसेस अपनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर बना लेते हैं और इंसिस्टेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्पोर बना करके उसके ऊपर शिष्ट चढ़ जाए और ये अनफेवरेबल कंडीशन में पड़े भी रहते हैं जैसे तालाब वगैरह में जहाँ पाए जाते हैं और एयर के द्वारा जो है ये दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा करते हैं, मेल फीमेल गैमेट्स बनाते हैं और उसमें फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद जायगोट बनाते हैं, तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। यूजफुल प्रोटोजोआ में हम लोग स्टूडेंट क्या स्टडी करते हैं कि फॉर एक्वाटिक फूड चेन दे आर यूजफुल। एक्वाटिक फूड चेन जो चलती है जल में जो फूड चेन चला करती है ये क्या करते हैं प्रोटोजोअन जो जल में पाए जाते हैं ये एल्गी वगैरह को फीड करते हैं खाते हैं और इनको कोई दूसरे जीव खा लेते हैं, इनसे बड़े जीव खा लेते हैं, तो एक प्रकार से ये फूड चेन में फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा क्या होता है दे आर यूज एज ए फाइनल डिग्रेडेशन, यानी फाइनल डिग्रेडेशन जो डेड और ऑर्गेनिक मैटर होता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या सीवेज होता है उसमें ये फाइनल डिग्रेडेशन का काम करते हैं प्रोटोजोअन्स और यूज्ड फॉर रिसर्च मटेरियल, यानी कुछ जो है रिसर्च मटेरियल जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं तो उनके लिए जो है ये खोज के लिए कुछ प्रोटोजोअन्स का यूज किया जाता है। अब इनके लोकोमोशन में हम लोग स्टडी करें तो लोकोमोशन कैसे करते हैं, ये इनका लोकोमोशन जैसे स्यूडोपोडिया ये है अमीबा जैसे है, अमीबा ये झूठे पैर पाए जाते हैं, एक प्रकार से स्यूडोपोडिया यानी झूठे पैर स्यूडोपोडिया के द्वारा कर सकते हैं।
सीलिया के द्वारा कर सकते हैं, पैरम एशिया का है, इसमें सीलिया बने हुए बहुत सारे हजारों की संख्या में सीलिया बने एक साथ मिल करके करते हैं, ये सीलोपोडिया बना है इसी के द्वारा ये आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा फ्लैजिला है, फ्लैजिला जैसे ये पाया जा रहा, ये ट्रिपैनोसोमा है, इसमें फ्लैजिला पाया जा रहा, तो फ्लैजिला के द्वारा ये मूव करता रहता है, ये फ्लैजिलेटेड। इसके अलावा तो ये इनका लोकोमोशन का सिस्टम है, सीलोपोडिया के द्वारा, सीलिया के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा। अब पैरासिटिक जो होते हैं, तो पैरासिटिक में क्या होता है कि वो स्पोरोजोअन्स होते हैं, वो किसी न किसी वेक्टर के माध्यम से दूसरे जीव के अंदर चले जाते हैं या हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो वहाँ पर इनमें कोई वो नहीं पाया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन जैसे प्लाज्मोडियम के केस। अब इनको प्रोटोजोअन्स को फोर ग्रुप्स में रखा गया, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, अमीबॉय जो अमीबा जैसे ये है और ये एंटमीबा, स्टूडेंट ये एंटमीबा है ये अमीबा, तो ये अमीबॉइड में आएंगे अमीबा जैसे जो हों। दूसरा फ्लैजिलेटेड जिनमें फ्लैजिला पाए जाए जैसे ट्रिपैनोसोमा। तीसरे सीलिएटेड जिसमें सीलिया पाए जाए जैसे पैरामीशियम। और फोर्थ वन है स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स से जैसे प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट बना हुआ है स्टूडेंट, इसमें इनके जीवन काल में स्पोर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पोर की स्टेज पाई जाती है, इसीलिए ये इनको स्पोरोजोअन्स बोला जाता है। तो ये फोर ग्रुप्स में रखे गए हैं प्रोटोजोआ को रखा गया। अब हार्मफुल किस तरीके से हमारे लिए हैं स्टूडेंट, तो ये दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेज। अब जैसे आप लोगों को मालूम है कि अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री का मतलब ये होता है कि जो खूनी पेचिक होती है तो वो ये बीमारी फैलाते हैं अमीबिक डिसेंट्री। एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है और म्यूकोसा वगैरह की लेयर को ये जो है नष्ट करता है, लाइटिंग एंजाइम बनाता है गलाने वाले एंजाइम, तो हमारी इंटेस्टाइन की दीवार नष्ट होती रहती है और वहां पर अल्सर कर देता है, घाव कर देता है और उसी के अंदर चला जाता है, तो वहां से ब्लड कैपिलरीज फटती है और ब्लड निकलना चालू हो जाता है और म्यूकस भी बनता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये हमारे लिए जो है अमीबिक डिसेंट्री फैलाता है हमारे बॉडी में। दूसरा है मलेरिया, मलेरिया ये स्टूडेंट मलेरिया का इन्फेक्टिव स्टेज है, इसको इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया कहा जाता है, ये पूछा जाता है, ये स्पोरोजॉइट इसको बोला जाता है, यही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में पाया जाता है। जब स्टूडेंट तो जो फीमेल एनाफिलीज होती है उसके सलाइवा में पाया जाता है, जैसे ही वो हमारे बॉडी में शक करती है वैसे ही हमारे ब्लड में मिला देती है अपने सलाइवा को, और उसमें एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है और हमारे ब्लड में चले जाते हैं, बहुत सारे हजारों संख्या में स्पोरोजॉइट्स चले जाते हैं और हमारे ब्लड में करीब आधा घंटे में अगर इसकी चेकिंग कराई जाए ब्लड की तो ये दिखाई पड़ेगी, लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर यानी आधा घंटे के बाद ये गायब हो जाते हैं, ब्लड में नहीं दिखाई देंगे, वहां से सीधे चले जाते हैं लीवर में और लीवर में जा करके लीवर की सेल्स में चले जाते हैं और जा करके अपनी फीडिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी वहां जा करके ये गोल आकार में हो जाते हैं और लीवर सेल्स के साइटोप्लाज्म वगैरह को भोजन को सब वहां से लेना चालू कर देते हैं और लेते 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 ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं लीवर सेल्स में और वहां पर जो है स्टेज बनाना चालू कर देते हैं मेटाक्रिप्टोजॉइट। मेटाक्रिप्टोजॉइट स्टेज में जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद जो है काफ़ी जो है स्पोर्ट्स बनाते हैं, वो निकलते हैं स्पोर्ट्स निकल करके इनके फटने के बाद लीवर सेल्स के, तो फिर कुछ उसमें क्या होते हैं जो माइक्रो छोटे वाले होते हैं, माइक्रो और माइक्रो दो होते हैं, बड़े वाले छोटे वाले, तो माइक्रो वाले जो है उसी में अपना क्या करते हैं माइक्रो वाले जो बड़े वाले होते हैं और छोटे वाले जो चले जाते हैं ब्लड में, कभी कभी स्प्लीन में चले जाते हैं, बोन मैरो में भी चले जाते हैं, तो वहां से ये ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड में आरबीसी के अंदर चले जाते हैं, आरबीसी को नष्ट करना चालू करते हैं, यानी वहां पर कई स्टेज में अपने रूप को बदलते रहते हैं, आकार को शेप को बदलते रहते हैं, सिगरेट रिंग स्टेज अंगूठी जैसी संरचना अमीबा की तरह की संरचना बना लेते हैं या अन्य दो तीन टाइप के ट्रोपोजॉइट स्टेज बना लेते हैं और बाद में ये खा खा करके हमारी आरबीसी को नष्ट करते रहते हैं और ये लास्ट में हीमोजोइन निकालते हैं, विषैला पदार्थ है हीमोजोइन, तो ये ब्लड में जब मिलता रहता है तो हीमोजोइन जैसे ही ब्लड में मिलता है तो हमको जाड़ा दे करके बुखार आता है, मतलब ठंड भी बहुत भयंकर लगती है और कपकपी लगती है, तो चूंकि उसी पॉइजन की वजह से होता है
और कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है प्रोजेक्ट की अगला मरने का इनका खतरा रहता है, तो ये क्या करते हैं वहां से नई नई आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट के रूप में चले जाते हैं और उसके बाद जो है ये गैमेटोसाइट के बना करके और आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो आरबीसी सीधे सीधे यहाँ ब्लड में जो बहा करती है ऊपरी सिरे पर, तो मास्क्यूटो फीमेल मास्क्यूटो जैसे ही उसको सक करता है वैसे ही फीमेल एनाफिलिस के अंदर चले जाते हैं और वहां जा करके आरबीसी का डाइजेशन हो जाता है और गैमेटोसाइट जो है निकल करके इसके गट में आ जाते हैं यानी एलिमेंट्री कैनाल में, और उसके बाद वहां पर सेक्सुअल साइकिल चलाते हैं, मेल फीमेल गैमेट बनाते हैं, उसके बाद जायगोट बनाते हैं, जायगोट के बाद भी जो है सेक्सुअल साइकिल चलती है। हम लोगों में ए सेक्सुअल साइकिल चलाते हैं और मास्क्यूटो में ये सेक्सुअल साइकिल चलाते हैं, यानी दो होस्ट में इनका जीवन चलता है, इसलिए ये डाइजेनेटिक माना गया। प्लाज्मोडियम जो होता है डाइजेनेटिक होता है। इसकी फोर स्पीसीज एक पाई जाती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये जो है खतरनाक होती है बीमारियां फैलाती है, तो प्लाज्मोडियम की बीमारियां फैलाती है, सॉरी जो मलेरिया की बीमारी फैलाती है इसकी जो डिफरेंट स्पीसीज। अब दूसरी जो आती है अमीबिक डिसेंट्री, आपने पढ़ लिया मलेरिया पढ़ लिया, अफ्रीकन स्लीपिंग थिकनेस, ये निद्रा रोग कहलाता है, इसमें नींद आती है ज्यादा, ये नर्वस सिस्टम से डिस्टर्ब हो जाता है नर्वस सिस्टम हमारा, ये टिपाइनोसोमा गैम्बियंस ये जीव है। ये सीसी मक्खी एक पाई जाती है, सीसी फ्लाई, वो सीसी फ्लाई हम लोगों को जब ब्लड तक करती है तो ये उसी में उसी के थ्रू चला जाता है और जाकर के हमारे नर्वस सिस्टम या ब्रेन में जाकर के डिस्टर्ब करता है, तो हमारी नींद आती है ज्यादा और नींद आते आते आदमी की मौत हो जाती है, तो ये भी खतरनाक बीमारी, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। डायरिया हो जाता है, डायरिया होता है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ये जियार्डिया प्रोटोजोअन है जो बच्चों में छोटे बच्चों में गंदा पानी यूज कर ले या गंदा भोजन यूज कर लेते हैं तो उससे जो है डायरिया हो जाता है, उसमें फीसेस में जो है डायल्यूट हो जाता है, पानी की मात्रा ज्यादा जाने लगती है और नुकसान हो जाता है बच्चों के लिए, खतरनाक बीमारी, कभी कभी अगर समय से इलाज न किया जाए तो मर भी सकते हैं बच्चे। लेशमानिया जो है दोनों नाई, ये काला आजार बीमारी या ब्लैक फीवर की बीमारी फैलाता है, तो इस तरीके से ये तरह तरह की बीमारियां हम लोगों में फैलाते हैं। एक होता है ट्राइकोमोनास, तो ट्राइकोमोनास जो होता है वो ट्राइकोमोनियसिस एक डिजीज फैलाता है फीमेल से, फीमेल के वजाइना में बीमारी फैलाता है तो उसको बोलते हैं ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। तो ये ऐसे पैरासाइट हैं, ज्यादातर अभी मैंने बहुत कम बताए हैं, इसमें बहुत सारे और भी हैं जो तरह तरह के डिजीज फैलाते हैं, लेकिन ये उनमें से कुछ हैं जो हम लोगों में तरह तरह की डिजीजें फैलाते हैं। अब ये अमीबा है, ये चूंकि वाटर में रहता है तो वाटर इसमें पानी आता रहता है अगल बगल से, इस वजह से पानी की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाती है, तो अगर पानी ना निकाला जाए तो ये मर सकते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो ये क्या करता है पानी को भर लेता है, भरने के बाद यहाँ पर आ जाता है पेलकिल, ये पेलकिल बाहरी लेयर, इनकी सबकी बाहरी लेयर को पेलकिल कहते हैं, तो पेलकिल के पास आ जाता है और फट जाता है, फटने के बाद जैसे ही फटता है तो पानी निकल के बाहर चला जाता है, फिर न्यूक्लियस के पास दूसरा बनता है, दूसरा फिर पानी भरेगा, फिर फूलेगा, फिर आएगा यहाँ पर और फिर फट जाएगा, तो इस तरीके से बार बार इधर से पानी आता रहता है भोजन, भाई अमीबा भोजन पकड़ता है तो भोजन पकड़ेगा तो फूड वैक्यूल के रूप में पकड़ेगा तो पानी भी आएगा और लगातार वैसे भी पानी आता है, तो इस पानी को ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा लगातार निकालता रहता है, तो जलीय प्रोटोजोअंस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। लेकिन इसी अमीबॉइड जो प्रोटोजोअन है या अमीबा वाले, ये एंट अमीबा हिस्टोरिट का ये पैरासिटिक है, हम लोगों की बॉडी में ये डिसेंट्री बीमारी फैलाता है, तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता क्योंकि ये पैरासाइट है, इनमें पानी बाहर आने का कोई खतरा नहीं। अब पैरामीशियम में यहाँ दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा पानी आता है तो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ज्यादा ज्यादा पानी निकालने का प्रयास करेंगे। ये स्पोरोजॉइट है जो प्लाज्मोडियम की, तो ये इसके ऊपर वाला भाग है एपिकल कैप, इसी एपिकल कैप वाले से भाग से लाइटिक एंजाइम निकलते हैं कुछ एंजाइम जो हम लोगों की उससे ब्लड की कैपिलरीज में छेद करके चले जाते हैं लीवर सेल में, और लीवर सेल में जाना है अंदर तो उसमें छेद कर देते हैं, गला देते हैं, तो गलाने का काम यहीं से निकलने वाले एंजाइम कर देते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जो है प्रोटोजोअन्स के विषय में आपने स्टडी किया, इसके अलावा इनका जो साइज और शेप होता है 2 माइक्रॉन से लेकर के 200 माइक्रॉन तक इनका साइज होता है ज्यादा ज्यादा, और इनके शेप जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखो ये तरह तरह के शेप वाले पाए जाते हैं,
साइज और शेप भी इनमें जो है अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो ये कुछ जो है जानकारियां हैं आप लोगों को दी गई हैं इस वीडियो के माध्यम से, फोटो जो इनके माध्यम से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आ जाए या कोई प्रॉब्लम आवे तो आप जो है उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछने हैं या इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें और उसको अगले वीडियो में हम रिमूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।